तारीख 9 मई 1540 मेवाड़ राज्य में एक ऐसे शूरवीर ने जन्म लिया जिसकी गौरव गाथा और देश भक्ति पर आज भी फक्र किया जाता है। मेवाड़ राज्य का एक ऐसा कुकमरान जिसने कभी गुलामी को नहीं अपनाया, ऐसा शूरवीर बहादुर जो पूरी जिंदगी देश के लिए कुर्बान कर गया। आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप की, जिसके किस्से आज भी हमें याद आते हैं। इनके कहानियां सुनने के बाद हमें फक्र सा होता है। कटे पर झुके नहीं आगे बढ़े, बरखों के नहीं लड़े आंधी और तूफानों में आत्म गौरव है। पिता महाराणा उदय सिंह और माता जीवत कंवर या जयवंत कंवर थीं, वे राणा सांदा के पौत्र थे। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी की का नाम लेकर पुकारा करते थे। राजपूताना राज्यों में मेवाड़ का अपना एक खास स्थान है जिसमें इतिहास के गौरव बाप्पा रावल, कुमार प्रथम, महाराणा हम्मीर, महाराणा कुम्हा, महाराणा सांगा उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनके कुल देवता एकलिंग महादेव है। मेवाड़ के राणाओं के आराध्य देव एकलिंग महादेव। मेवाड़ के इतिहास में बहुत महत्व है। एकलिंग महादेव का मंदिर उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ के संस्थापक बाप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया और एकलिंग की मूर्ति की प्रतिष्ठापना की थी। दिल्ली की सल्तनत। प्रताप के काल में दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम को पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसकी आस लिए ही वह इस दुनिया से चला गया। अन्नाओ महाराणा की प्रतिज्ञा। महाराणा प्रताप ने भगवान एकलिंग जी की कसम खाकर प्रतिज्ञा ली थी कि जिंदगी भर उनके मुख से अकबर के लिए सिर्फ तुर्क ही निकलेगा और वे कभी अकबर को अपना बादशाह नहीं मानेंगे। अकबर ने उन्हें समझाने के लिए 4 बार शांति दूतों को अपना संदेशा लेकर भेजा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के हर प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। महाराणा प्रताप की शक्ति और उनका घोड़ा। महाराणा प्रताप के पास उनका सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे वो घोड़ा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप तब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। भाला, कवच और ढाल तलवार का वजन कुल मिलाकर 208 किलो था। राणा 208 किलो वजन के साथ युद्ध के मैदान में उतरते थे। सोचिए तब उनकी शक्ति क्या रही होगी। राज्याभिषेक। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। युद्ध की विभीषिका के बीच राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाला और वहां उदयपुर के नाम से नया नगर बसाया, जो उनकी राजधानी भी बनी। उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय भटियानी रानी के प्रति आसक्ति के चलते अपने छोटे पुत्र जगमल को गद्दी सौंप दी थी, जबकि प्रताप ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे। उदय सिंह के फैसले का उस समय सरदारों और जागीरदारों ने भी विरोध किया था। दूसरी ओर मेवाड़ की प्रजा भी महाराणा प्रताप से लगाव रखती थी। जगमल को गद्दी मिलने पर जनता में विरोध और निराशा उत्पन्न हुई। इसके चलते राजपूत सरदारों ने मिलकर विक्रम संवत 1628 फाल्गुन शुक्ल 15 अर्थात 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया। इस घटना से जगमल उनका शत्रु बन गया और अकबर से जा मिला महाराणा के मेवाड़ की राजधानी उदयपुर थी। उन्होंने 1568 से 1597 ईस्वी तक शासन किया। उदयपुर पर यवन तुर्क आसानी से आक्रमण कर सकते हैं, ऐसा विचार कर तथा सामंतों की सलाह से प्रताप ने उदयपुर छोड़कर कुंभलगढ़ और गोगुंदा के पहाड़ी इलाके को अपना केंद्र बनाया। जगमल जा मिला अकबर से। जगमल नाराज होकर बादशाह अकबर के पास चला गया और बादशाह ने उसको जहाजपुर का इलाका जागीर में प्रदान कर अपने पक्ष में कर लिया। इसके पश्चात बादशाह ने जगमल को सिरोही राज्य का आधा राज्य प्रदान कर दिया। इस कारण जगमल की सिरोही के राजा सुल्तान देवड़ा से दुश्मनी हो गई और अंत में सन 1583 में हुए युद्ध में जगमल मारा गया। जिस समय महाराणा प्रताप सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय राजपूताना बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। बादशाह अकबर की क्रूरता के आगे राजपूताने के कई राजाओं ने अपने सिर झुका लिए थे। आखिरकार 30 मई सन 1576
बुधवार के दिन प्रातःकाल में हल्दी घाटी के मैदान में भयंकर युद्ध छिड़ गया। मुगलों की विशाल सेना टिड्डी दल की तरह मेवाड़ भूमि की ओर उमड़ पड़ी। उसमें मुगल, राजपूत और पठान योद्धाओं के साथ जबरदस्त तोपखाना भी था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति महावत खां, आसफ खां, मानसिंह के साथ शाहजादा सलीम जहांगीर भी उस मुगल वाहिनी का संचालन कर रहे थे, जिसकी संख्या इतिहासकार 80,000 से 1,00,000 तक बताते हैं। इस युद्ध में प्रताप ने अभूतपूर्व वीरता और साहस से मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। अकबर की आन और महाराणा प्रताप की शान और मानसिंह का फरमान, नतीजा हल्दी घाटी का युद्ध और शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 को चावंड में हुई। 30 वर्षों के संघर्ष और युद्ध के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को ना तो बंदी बना सका और ना ही झुका सका। महान वो होता है जो अपने देश, जाति, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता ना करें और सतत संघर्ष करता रहे। ऐसे ही व्यक्ति लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं।